कितने समय पर आवेदन किया था मैडम? 2:30 का। 2:30 थी। अच्छा, तो आपको शाम को लेटर साहब के पास पहुंचा, पुटअप हुआ, तो वो लिखे हैं अनुमति नहीं दिया जा रहा। तो ठीक है ना सर, तो मेरे पास तो नहीं आया अभी तक नहीं आया। देखिए, आपको अनुमति मिलता तो आप करते। दो चीजें, अनुमति का भी तो आना है, इंकार करने का भी तो आना है। बड़ा पता किया, अगर कोई चीज आपको लिख के दे तो आपका दायित्व बनता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते। आप मेरे को लेटर कमाने का आपका अधिकार है, आप दे सकते हो। आपको दिया जाता, आप इतना लेट उसको किए हैं, शाम रात तक वो हुआ है, उतना टाइम कमी नहीं हो पा रहा। मैं क्या कर सकती हूँ उसकी? तो आपकी अनुमति भी तो नहीं है, मुझे नहीं बोल नहीं सकते आप। मेरा कहना है कि ठीक है, मेरे लेटर का विपरीत जवाब मुझे दे सकते थे, ये बात मुझे पता ही नहीं। मेरे मीडिया साथी बता रहा है कि मैडम आपको तो अनुमति नहीं, तो मैं कैसे मानूं? मेरे पास कोई लेटर नहीं। उसको दो ना यार, तुम तो आए हो ना एसडीएम के प्रतिनिधि। क्यों, मैं क्यों लूंगा? मैं नहीं लूंगी लेटर। चलिए, तो फिर बात करेंगे फिर। मैडम आप कहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन बाइक चैनल करिए, रिक्वेस्ट है मैडम। देखिए आप है ना, तो क्या हम लोग भी बंद करो अपना। आज पब्लिक आ चुकी है, पब्लिक निकल चुकी है, मैं एक पब्लिक के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं कर सकती। और मैं अभी लेटर लूंगी, मतलब ये सारा पब्लिक मेरे को पत्थर मारेगी, और मैं ये नहीं कर सकती। भले आपको लगा आपका झूठ बंद, हमारी कहाँ गलती है मैडम? भैया आपकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि अभी सर ने बोला ना, व्हाट्सएप सर ने किया है, तो वो भी बता दे, वो भी मेरे को बता दे कि ये ने इतने टाइम बच के आपकी ने व्हाट्सएप किया है, तो बता दे, तो मुझे उससे भी मेरी गलती का स्वीकार मैं कर सकती हूँ। लेकिन वो भी बता दीजिए ना मेरे व्हाट्सएप में, मुझे नहीं पता मिल रहा। मेरे को तो मीडिया भाई में से किसी ने बताया मैडम आप गलत कर रही है, क्योंकि मीडिया को दोनों तरफों का हो रहता है, क्योंकि मीडिया हमेशा एक पारदर्शिता और एक निष्पक्षता को करती है। उसने मुझे कुछ सवाल करा, तो मैंने बताया मैं ये प्रार्थी हूँ, मेरे पास लेटर नहीं है मैडम। घटना वटना हो जाती है तो फिर हमारे ऊपर आ जाएगा मैडम, परमिशन नहीं है, क्यों करा, क्या करा, ये सब चीजें थाने तक। देखिए अनुमति आज तक हम भी जानते हैं सर, अनुमति किसी ने नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता। क्या एसडीएम अगर अनुमति दे कि क्या आज कुछ छोड़ा करो, क्यों अपनी नौकरी को हाथ में दो बैठेगा? बताइए क्यों दो बैठेगा? ऊपर आ गया मैडम। नहीं नहीं, क्यों दो बैठेगा? हाँ, 144 की बात होती है, उस समय वो अनुमति बहुत ही अनिवार्य रहता है 144 पे, क्योंकि वो एक दारा लगे रहता है, और उस दारा के पास अनुमति इसलिए जरूरी रहती है वो हर तक तुरंत उसके पर करने का। लेकिन यहाँ भी 144 का भी कोई दारा नहीं है, ये स्वतंत्र देश है, ये एक संविधान कहता है, आदमी अपनी स्वतंत्र सेवा ये कर सकता है, ये संविधान में है। हाँ, 144 होगी ना आप बिल्कुल, अगर मैं नहीं मानी मैं आप मेरे को भेज जा सकते, क्योंकि मैंने 144 का उल्लंघन किया, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, कोई दारा नहीं है सर। लेकिन मैं ताने की बात कह रही हूँ, आप लोगों ने बोला कि ठीक है, मैं भी समझती हूँ ऊपर में कितनी दबाव आती है, ठीक है, अच्छी बात है, हम तो तकलीफ नहीं। लेकिन वहाँ पर लिख के दे दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बोल सकती हूँ कि भाई यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम है। भाई ये भी इसी, ये भी आदिवासी इसी ज्यादा इलाकों के हैं, इनको भी अपनी साथ की वर्गों से बात रखने का अधिकार है, सब चीज का अधिकार है। क्या आप परेशान नहीं है? परेशान है, लेकिन आप बोल नहीं सकते ना, इसलिए आप बंद स्थापित हैं। लेकिन उनका भी क्या कैसे बात, वो तो ये भी डिमांड कर रहे हैं भाई, नेताओं ने तो चिल्ला चिल्ला के प्रचार में बोला ना कि हम आदिवासी को छोड़ेंगे, 4,000 आदिवासी मजाक नेताओं को नहीं करना चाहिए जनता के साथ। आज वो जनता बोल रही है कि भैया हम उस नेता से बात करेंगे, उस सरकार से बात करेंगे जिस सरकार में कह रहे हजारों आदिवासी को, आज वो ऐसा वादा करके आज उनको नहीं कर रही है, तो क्या जिनका अधिकार नहीं है सरकार से बात करने मैं भी आप ही की तरह पस गई हूँ, इतनी बुरी तरह पूछी हूँ,